नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। इतिहास में कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हजारों लाखों निर्दोषों का खून बहाया हो। औरंगजेब ऐसे ही लोगों में से एक था, जिसका मकसद था पूरे भारत पर इस्लामिक शासन गजवाए हिंद फैलाना। भारत के खिलाफ औरंगजेब की सोच का आज इस्लामिक कट्टरपंथी गुणगान करते नहीं थक रहे। क्या इसके पीछे उनकी गजवाए हिंद वाली सोच है? क्योंकि सहारनपुर में देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद यानी भारत पर आक्रमण को मान्यता देने वाले फतवे को महिमा मंडिता करते हुए इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध ठहराया है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं और इसी को लेकर जनहित में चर्चा भी करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे कि आखिर कैसे संभव है। हालांकि गजवाए हिंद जो है या गाजी जो शब्द है वो ऐसी कट्टरपंथी मानसिकता को दर्शाने वाला है और इसको लेकर फतवा जारी कर देना ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि इसी को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। कहते हैं गजवाए हिंद कट्टरपंथी मानसिकता, या ये कहा जाए जो इस्लाम के प्रति जो आस्था रखता है और सोच रखता है और उसी आस्था के लिए जो युद्ध करते हैं उसे गाजी कहते हैं, गजवाए हिंद यानी कि भारत से अंतिम युद्ध। और उस युद्ध में अगर जीत नसीब होती है तो उसे जन्नत नसीब होती है, इस तरीके की मानसिकता को ये शब्द जो है दर्शाते हैं और इसी को लेकर देवबंद से ये फतवा जारी किया गया है। दरअसल कहा जाता है कि एक दिन अंतिम युद्ध होगा, हिंदुस्तान से जीत होगी और जो इस जीत में शहीद होंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी और इसके बाद वे ऑफ लिविंग पर एक आधिकारिक या ये कहा जाए हमारा शासन होगा, इस तरीके की सोच। और इसी को लेकर जो देवबंद में गजवाए हिंद को लेकर फतवा जारी किया गया है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए जरा, दारुलूम की मानसिकता, इनका चरित्र और इनके क्रियाकलाप ये जग जाहिर है। दारुलूम की ये सोच है कि पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण ये किया जाना चाहिए। और अभी कुछ दिनों पूर्व यहां से कुछ पाठ्यक्रम जो जब्त किया गया था और जिसमें इस प्रकार की सामग्री थी कि गजवाए हिंद को और हम समर्थन करते हैं और उसी को आधार बनाकर और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा और यहाँ के डीएम और एसएसपी को ये पत्र जारी किया गया है कि दारुलूम के खिलाफ और इसके फतवे के खिलाफ और ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दारुलूम की मानसिकता किस प्रकार की है वो हम सब लोग जानते हैं। दारुलूम के संपर्क संबंध ये आतंकवादियों से मिले हैं और हमारी पहले भी मांग रही है कि दारुलूम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दारुलूम पर ताला लगना चाहिए। और आज पुनः उस मांग को दोहराते हैं क्योंकि इससे ज्यादा और सबूत कुछ नहीं चाहिए और दारुलूम पर ताला लगाकर और इसके मुल्ला मौलवियों को तुरंत गिरफ्तार। NCPCR ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय NCPC का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में CO और SDM देवंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्यवाही नियमानुसार हो जाएगी। ये कार्रवाई किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगी? नहीं, अभी इसमें निर्देशित किया गया है जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे उत्तरदायी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दारुलूम ने अपनी वेबसाइट पर इसे वैधता दी है और मुख्तार कंपनी ने इस बुक को पब्लिश किया है। देखिए, जिसने इसको पब्लिश किया है या जिसने इसको वैधता दी है, जो आयोग के निर्देश हैं उन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस पर कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा SDM देवंद और CO देवंद को निर्देशित किया गया है, शाम तक इस पर कार्रवाई नियमानुसार। तो आज इसी फतवे को लेकर हम चर्चा करेंगे, जनहित में दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। आपका परिचय करा देते हैं, महंत शुभम गिरी धर्माचार्य भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर 2022 और 23 का जिक्र करें तो दारुल
उलूम की जो साइट है उसमें विवादित फतवों का खुलासा हुआ था और कहा गया था कि इसे ब्लॉक कर दिया जाए, साथ ही FIR भी दर्ज हुई थी, कई धाराएं भी लगाई गई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन की तरफ से भी कोताही कहीं ना कहीं बरती गई और एक बार फिर से ऐसा ही फतवा सामने आ रहा है। कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला ये फतवा सामने आ रहा है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। महंत शुभम गिरी महाराज की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। शुभम गिरी जी, आपका रुख करेंगे देवबंद की ये तस्वीर और दारुल उलूम की जो वेबसाइट है या साइट है उसमें इस तरीके के फतवों की भरमार पड़ी हुई है और एक बार फिर से ये फतवा जारी किया गया है, क्या ऐसा संभव है क्या? देखिए, ये देश तो संविधान से चलता है। दूसरा, इस देश में इस तरह से फतवा को कोई मानता नहीं है। जो फतवा जारी किया गया है, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो फतवा को बिल्कुल ही नहीं मानेगा। लेकिन ये देवबंद का दुर्भाग्य है, या दुर्भाग्य उनका कहता हूं मैं, गजवाए हिंद का यह फतवा क्यों जारी किया गया? क्योंकि उन्होंने इसलिए जारी किया कि देश में एकता ना बनी रहे, देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना ना बनी रहे। आप सऊदी अरब को देख लीजिए, दो दिन पूर्व जो इस्लाम राष्ट्र होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी वहां जाकर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह में शामिल होते और शिलान्यास करते हैं, मंदिर का उद्घाटन करते हैं। लेकिन ये फतवा जो ये गजवाए हिंद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हिंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक जो दूसरी है इस पे कोई किसी को भी पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। लेकिन आज ये विषय सामने आया है, क्योंकि बार बार ये विषय सामने आता है, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के कारण इस फतवे को जारी किया गया है। सोनी जी, आपको मैं कहना चाहता हूं कि देवबंद अगर ऐसी करे तो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे और केंद्र एजेंसी जो हमारी एजेंसी है वो भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सहारनपुर का, वो भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि मैं सहारनपुर के बगल से ही जनपद से आता हूं, लेकिन ऐसा हर बार ही देवबंद के द्वारा ही फतवा जारी किया जाता है। जो शिक्षा संस्थान है, शिक्षा का संस्थान है, इस्लामिक शिक्षा वहां पर प्राप्त की जाती है, लेकिन ये क्या किया जा रहा है? क्योंकि कुछ जो गिनंदे लोग होते हैं, जिसने भी ये फतवा जारी किया गया है, पहले तो वेबसाइट को बैन किया जाए और जो फतवा जारी किया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और NSA उसके ऊपर लगाई जाए। बिल्कुल, ये हालांकि ये पहले भी इस तरीके के जब फतवे सामने आए तो इसको लेकर FIR भी दर्ज हुई और ये कहा गया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ एक जिला प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले भी 2022 और 23 में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर से ये फतवा जारी किया गया है। हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं देवबंद से, प्रशांत का रुख करेंगे, प्रशांत त्यागी का। प्रशांत, देखा जाए तो ये एक कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला फतवा है जो जारी किया गया है। इस फतवे को जारी करने के पीछे क्या कुछ सोच, क्या कुछ रणनीति, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी एक जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अनम्यूट करिएगा प्रशांत। ठीक है, प्रशांत को आवाज नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल ये फतवा को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये संभव है और आखिर क्यों इस सोच को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। गजवा मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई, अरबी शब्द गजव से बना गजवाए हिंद। गजव का मतलब होता है लड़ाई, हमला या धर्म युद्ध। गजवा मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई, यानी कि एक कट्टरपंथी विचारधारा जो पाक में रहने वाले या आतंकवादी सोच की, ये अपनी एक फिलॉसफी है। और गजवाए हिंद सिर्फ भारत में ही क्यों, और ये क्या संभव है जिस तरीके से यह फतवा जारी किया गया है और यहां पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इस ओर कार्रवाई होगी या फिर इस फतवे के जारी होने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया है, क्योंकि सवाल जरूर
उठ रहे हैं इस फतवे को लेकर, इस धर्म युद्ध को लेकर, जिस तरीके से गजवाए हिंद को लेकर फतवा जारी किया गया है, और साफ साफ एक कट्टरपंथी जो मानसिकता है, जो सोच है, उसको दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही हमारे साथ हम मुस्लिम धर्म गुरु जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, अल्लामा जमीर, साथ ही देवबंद से संवाददाता प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपको आवाज मिल पा रही है, आपका रुख करेंगे। अल्लामा जमीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके का यह फतवा जारी किया गया है, प्रशांत का रुख करेंगे पहले। प्रशांत, इस फतवा जारी होने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं, क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई या पहल होती हुई नजर आ रही है? नहीं, क्या मुझसे पूछ रही हैं आप? नहीं, अल्लामा जमीर जी आपका रुख करेंगे। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता देवबंद से जुड़े हुए हैं, उनका रुख किया। प्रशांत, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, दोबारा से संपर्क करेंगे। अल्लामा जमीर का रुख कर लेते हैं। अल्लामा जमीर जी, देवबंद से जो ये फतवा जारी किया गया या जो ये तस्वीर सामने आई, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे, और कैसे ये फतवा, जाहिर सी बात है अगर गजवाए हिंद का जिक्र करें जिसको लेकर ये फतवा जारी किया गया, तो इसके इसकी जो विचारधारा है इस शब्द की, या ये कहा जाए जो सोच है, या जिन चीजों को ये कनेक्ट करता है, जिस सोच को कनेक्ट करता है, ये बखूबी आप समझा पाएंगे, कैसे संभव है? देखिए, मसला ये है कि देवबंद मेरे लिए अथॉरिटी नहीं है, ठीक, ना ही देवबंद के जरिए कोई चीज निकाली गई है, वो मेरे पर लागू होती है, ठीक है। वजह यह है कि हम कुरान को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, मोहम्मद साहब को अनुयायी हैं, हम उनको मानते हैं, और कुरान कहता है ला तुफ्सिदुल फिल अर्ज, हम जमीन पर फसाद, अल्लाह फसाद पसंद नहीं करता है, और अल्लाह फसादी को दोस्त नहीं रखता है। और दूसरी चीज ये है कि कुरान ने फितना फैलाने को बहुत बड़ा जुर्म माना है। अल्लामा जमीर जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कुरान क्या बताता है, कुरान क्या सिखाता है, और ये जो इस्लामिक शिक्षा है, क्या इसमें ये कट्टरपंथी मानसिकता या सोच की सोच का पाठ पढ़ाया जाता है, ये भी आपसे समझेंगे। दोबारा से आपका रुख करेंगे। क्या आपको आवाज मिल पा रही है अल्लामा जमीर जी? जी, मुझे मिल रही है जी, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं है, इसलिए बारीकी से आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। दोबारा से आपका रुख करेंगे। महंत शुभम गिरी जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार रुख करेंगे। महंत शुभम गिरी जी, इस्लामिक शिक्षा या हिंदू की बात करें, तो हर एक का अपना अपना शिक्षा या जो भी पाठशाला होती है, जो पाठ्यक्रम या जो भी शिक्षा दी जाती है, उसमें इस्लामिक शिक्षा का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए, तो क्या कट्टरपंथी जो मानसिकता है या विचारधारा है, इस तरीके की शिक्षा इसमें निहित होती है, जो इस तरीके के फतवे जारी कर दिए जाते हैं? देखिए, कट्टरपंथी जो विचारधारा है, पहले तो उसमें रोक लगनी चाहिए। जो भी फतवा जारी करते हैं उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि एक कवि ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो किसी के प्रति बैर नहीं रखना सिखाता है, क्योंकि हम सनातनी आए, हम सबको प्रेम करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम में मदरसे होते हैं और संस्कृत जो गुरुकुल होते हैं, सनातन में गुरुकुल परंपरा से शिक्षा होती है, और जो ईसाइयों की शिक्षा होती है, जो गुरुकुल, अब स्कूल चल गए हैं, कॉलेज चल गए हैं, लेकिन पहले गुरुकुल, महाविद्यालय,
जैसे शब्द होते थे, और उस कारण से हमारे को संस्कृत में भी पढ़ाया जाता था कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, सत्यमेव जयते जयतेव की भावना होनी चाहिए, अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इंडोनेशिया एक इस्लाम राष्ट्र है, वहां भी भगवान श्री राम की पूजा की जाती है, भगवान श्री राम को माना जाता है और रामलीला का आयोजन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आज देश में ऐसे फतवे जारी हो रहे हैं, बहुत गलत बात है। कुरान भी ये नहीं सिखाता है, कुरान भी सबका सम्मान सिखाता है, कुरान भी वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल यही बात अल्लामा समीर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, हालांकि आवाज क्लियर नहीं थी लेकिन इतनी सी बात समझ में आई। आप जो कराइए फतवा तो चीज है, फतवा जो है आप तो किससे करेंगे, ये चलिए फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार प्रशांत त्यागी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता भी देवबंद से जुड़े हुए हैं जहां पर ये फतवा जारी किया गया है। प्रशांत आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल मुझे आवाज मिल पा रही है जी। दोबारा से अल्लामा समीर जी दोबारा से आपका रुख करेंगे। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। अल्लामा समीर जी वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपका रुख करेंगे। एक बार प्रशांत त्यागी का रुख कर लेते हैं देवबंद का, देवबंद से प्रशांत त्यागी जुड़े हुए हैं। प्रशांत ये जो फतवा जारी किया गया है इसको लेकर क्या कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, बात करें तो जो ये फतवा है पिछले 10 वर्ष पुराना है, जिसके आधार पर एनपीआरसी द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बात करें तो दारुलूम के कुछ एक शिकायत के आधार पर एनपीआरसी की टीम ने कुछ दिन पहले यहाँ कुछ किताबों को अपने कब्जे में लिया था, जिनके आधार पर इसके अलावा कुछ वेबसाइट पर जो फतवे थे उनको नोटिस फाइल किया था, उसके आधार पर ये कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। दारुलूम जो एनपीआरसी का कहना है कि इस प्रकार के जो डाले जाते हैं उससे कहीं ना कहीं वो एक चीजें उत्पन्न होती है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, डीएम और एसपी को नोटिस भी थमाया गया था इस संबंध में? जी बिल्कुल, सहारनपुर डीएम को नोटिस भेजा गया है इस संबंध में। हालांकि जो दारुलूम की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, उनका कहना है कि ये 10 साल पुराना फतवा है और जो एडवाइज है आदेश नहीं है, कोई फरमान नहीं है, यह बाकायदा जो मांगे जाते हैं फतवे उसके आधार पर यह दिया गया था। इसका अननेसेसरी कहीं इसको ना उठाया जाए, इस प्रकार के मामले को ना तूल दिया जाए। जी लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में देवबंद से ये तस्वीर सामने आना या इस फतवे का इस तरीके से सामने आना, क्या इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है? जो बिल्कुल एक कहावत है पुरानी के देश में तनाव है, लगता है चुनाव है, तो चुनावी माहौल है, 2024 का चुनाव सिर पर है, तो कहीं ना कहीं जहां भाजपा इस पूरे मामले को लेकर वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए लोगों के बीच में जाएगी, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं दारुलूम के पक्ष में खड़ा नजर आएगा। तो इस प्रकार की एक राजनीति का माहौल देश के अंदर खड़ा करने का प्रयास जो हो रहा है इसके बहाने, क्योंकि 10 वर्ष पुराना ये जो बताया जा रहा है कि ये वेबसाइट पर डाला गया था, 10 वर्ष पुराना ये फतवा है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति गरमाने के प्रयास देश के अंदर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके पीछे जो राजनीति सोच और मंशा, जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, महंत शुभम गिरी जी का रुख करेंगे। महंत शुभम गिरी जी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव जो है वो सिर पर है और ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति बनाना ये कितना सही है? देखिए पहले तो 10 वर्ष पूर्व फतवा बताया जा रहा है, ऐसे फतवे तो देश में कई आते कई जाते हैं, फतवे से कुछ नहीं होता, लेकिन ये फतवा देश विरोधी फतवा है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि देवबंद के जो मेन जो होते हैं कुलपति होते हैं और आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के पास दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार में वो आते हैं, वहां पर वो कुरान शरीफ की उनको पुस्तक देते हैं, उनको दिल की गीता या गीता की पुस्तक उनको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमने साहब कि यही हिंदुस्तान है, यही भारत वर्ष है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना सदैव मनी होती है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि फतवा के बारे में आज जो आया है 10 वर्ष पूर्व क्यों आया, क्योंकि 15 दिन को शेष रह गया है, चुनाव आयोग जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तिथि घोषित करेगा। लेकिन ये फतवा इसलिए आ रहा है कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई
कोई किसी के पक्ष में आएगा, कोई किसी के पक्ष में आएगा, लेकिन मेरी केंद्रीय गृह मंत्रालय से यह मांग है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्रीय जो एजेंसी है उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिसने भी फतवा वेबसाइट में डाला है, क्योंकि इस्लाम का प्रचार करे। भारत तो एक संविधानिक देश है और संविधान से चलने वाला देश है और लोकतांत्रिक देश है, वैसे ही आप इसका प्रचार करें और इसके प्रचार करने से बावजूद भी ये वेबसाइट में डाला हुआ है, जिसने भी व्यक्ति ने डाला है, जिसने भी फतवा जारी किया, पहले तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो भी ये फतवा है, क्योंकि देश विरोधी ताकतों ने ये फतवा जारी किया है, ऐसे कोई भी किसी का भी हिम्मत नहीं होती है फतवा जारी करने की, क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा ना, तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझिए तो बात, नुकसान सबका है, क्योंकि देश में सांप्रदायिकता सौहार्द ना हो। आपने कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी में कुछ दिन पूर्व उदाहरण देखा, आपने देखिए देश भारत एक वसुदेव कुटुंबकम की ओर जा रहा है, भारत का एक मान बढ़ रहा है, चाहे सऊदी अरब में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे देखा जाए तो धार्मिक ध्रुवीकरण, जातिया के नाम पर ध्रुवीकरण और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं और फतवे को लेकर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इसे सीधा सीधा राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। और शुक्रिया ऐसे चर्चा में शामिल होने के लिए महंत शुभम गिरी जी महाराज, और साथ ही प्रशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अल्लामा जमीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस फतवे से अब सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए ये माहौल बनाने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।